बच्चों, अब आपका स्वागत है आपके वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 में इस वीडियो में हमने जब कहानी सुनी, कितनी अच्छी कहानी थी। एक डफली वाला था, डब्बू था, और बंदर ने डफली फेंकी और डफली वाला डमरू भी बजा रहा था और एक डिब्बा भी था। कितने सारे किरदार थे और मजा भी आया। कितने अच्छे थे आप। डफली वाला याद है आपको वो गाना, डफली वाले डफली बजा, याद है? अगर याद नहीं है तो सुनना मम्मा से, ठीक है? मम्मा को बोला, मम्मा ये वाला गाना लगा के सुनाओ, डफली वाले डफली बजा, ठीक है? ये सुनना, ओके? और अब हम क्या करेंगे, द डमरू, जो ड व्यंजन है उसको लिखना सीखेंगे। पहले तो हम कानों से सुनते हैं, देखते हैं और फिर हम लिखते हैं। सुना क्या हमने, व्यंजन की कहानी। देखा क्या हमने, व्यंजन में जो इतने सारे किरदार हैं उनको हमने देखा। और अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपने व्यंजन को, ठीक है मेरे बच्चों? तो अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को बुला लीजिए, पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर को बुला लीजिए, और अपनी क्ले भी अपने साथ रखिए और क्रियॉन्स भी अपने साथ रखिए। सबसे पहले हम एक्टिविटी पेज पे जाएंगे और फिर हम ड डमरू लिखेंगे। और ड डमरू लिखने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे हम क ख ग घ ङ लिखते हैं, ग में हम आगे बिंदी लगाते हैं, बस इसमें बिंदी हटा दी तो बन गया ड डमरू, ठीक है प्यारे बच्चों? तो शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, ये रही आपकी हिंदी की पुस्तिका। ये है आपकी हिंदी की पुस्तिका। अब इस पुस्तिका में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे और हम लिखना सीखेंगे व्यंजन। कौन सा, ड। कौन सा व्यंजन, ड। ड डफली, ड डफली, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस नोटबुक में भी है हमारी एक एक्टिविटी वाला पेज, बिल्कुल इसके सामने वाला। तो ये रहा हमारा एक्टिविटी वाला पेज। ये है, क्या है ये, ड डमरू, ड डमरू। देखो जरा ध्यान से, इस डमरू में तो कलर ही नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, शिव जी का डमरू बोले डम डम डम, तो उसको हम प्यार से कलर करेंगे। शिव जी जी के प्यारे डमरू को हम कलर करेंगे, और किससे, क्रेयॉन से। किससे, क्रेयॉन से, ओके? तो चलिए क्रेयॉन्स निकालिए और कलर कीजिए, ठीक है? ध्यान से कलर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ब्राउन कलर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम ब्राउन कलर करेंगे। चलिए करिए इस तरह से, लाइन से बाहर नहीं जाना। ये देखिए, हमने डमरू की मेन बॉडी को तो कलर कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग्स है, इस पे हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं। ये देखिए मैम इस पे कौन सा कलर कर रही हैं, पर्पल, ओके? ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये देखिए, ओके? अब बीच में तो ब्लैक कलर किया है और साइड में कर लेंगे हम कौन सा कलर, येलो कलर, ओके? करिए, ये देखिए हो गया येलो कलर, और हमारा ड डमरू हो गया तैयार। ड डमरू, शिव जी का डमरू बोले डम डम डम। तो चलिए अब हम ड व्यंजन को लिखना शुरू करें। तो यहाँ पे इस पेज पे एक्टिविटी तो हमने कर ली, अब इस पेज पे हम ड डमरू को लिखना सीखेंगे। और मैम ने क्या बोला था, ड डमरू लिखना सबसे आसान है। क्यों है सबसे आसान, क्योंकि हम जब हमने क ख ग ङ पढ़ा था तो अङ भी ऐसे लिखते हैं, बस अङ में इसके सामने यहाँ पे एक बिंदी लग जाती है और वह अङ बन जाता है, और जब बिंदी हट जाती है तो वो ड डमरू बन जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ऊपर अपनी फिंगर्स रखेंगे इस तरह से, बोलिए 28 September 2021। सी डॉट डब्ल्यू डॉट मीन्स क्लास वर्क, हिंदी में बोलेंगे कक्षा कार्य। क्या बोलेंगे हिंदी में, कक्षा कार्य। और आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है। टुडे इज ट्यूजडे, टुडे इज ट्यूजडे। और ये है हमारा ड, ये है हमारा ड,
डफली ड डफली ड डफली। जब भी मैम डफली बोल रही हैं तो मैम को वो गाना याद आ रहा है डफली वाले। ओके अब पॉइंटर फिंगर रखिए ड ड ड ड ड और देखिए जैसे ङ में हमने डॉट्स लगाए थे बिल्कुल वैसे ही डॉट्स इसमें भी लगाए हैं। और अब हम इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है। इसको लिखना बहुत ही आसान है, जैसे हम ङ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। टू डॉट्स को ज्वाइन करके बनाएंगे वर्टिकल लाइन, कर्व बैक कर्व, और कोई बिंदी नहीं लगाएंगे और सीधे बना देंगे शीरो रेखा। ड फिर से वर्टिकल लाइन, कर्व बैक कर्व, शीरो रेखा, ड ड डमरू। चलिए एक बार फिर से लिखें वर्टिकल लाइन कर्व। अब इसी कर्व को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और नीचे वाली लाइन से जोड़ते हुए ले जाएंगे, ये बन गया ड। एक बार फिर से वर्टिकल लाइन कर्व बैक कर्व पीछे की तरफ और नीचे वाली लाइन से जोड़ते हुए, और हम बना देंगे शीरो रेखा, बन गया ड, बन गया ड। एक बार फिर से देखिए वर्टिकल लाइन कर्व बैक कर्व शीरो रेखा, क्या बन गया ड डमरू। आप ङ कैसे लिखते थे? बिल्कुल ऐसे लिखते थे ना आप ङ, ऐसे, और सामने आप यहाँ डॉट लगाते थे फिर आपका ङ बन जाता था। अगर हम ये डॉट ना लगाएं तो ये क्या बन गया ड डमरू। तो बिल्कुल इस तरह से आपने लिखना है सुंदर सुंदर अच्छी तरह, और स्टोरी रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।